नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Abin24 न्यूज़। और इसमें खड़े करनाल की सदर बाजार चौकी में, और आपको बता दें कि यहां पर जो है एक मामला सामने आया है जिसके अंदर एक बैंक द्वारा जो है एक व्यक्ति के साथ जो है बदतमीजी करने का मामला सामने आया है, और कुछ जो पैसे हैं वो नजायज़ तरीके से जो है उनके खाते से काट लिए गए। लेकिन पूरा मामला क्या है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर करण जायसवाल है, मैं सदर बाजार का ही रहने वाला हूँ, और मेरा अकाउंट है सदर बाजार में जो अनाजा मंडी के पास जो ब्रांच है SBI की जी, वहाँ पे मेरा अकाउंट है जी पिछले 7-8 सालों से। और मैं सब कुछ ऑनलाइन यूज़ करता हूँ, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज मेरे को अचानक से किसी को देना था, वो मेरे को स्टेटमेंट के लिए मेरे को देना था। मैं आज स्टेटमेंट के लिए ब्रांच में आया था, SBI ब्रांच में, तो मेरे को ये नहीं पता था कि स्टेटमेंट के चार्जेस होते हैं। मैंने अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दी और उनका जो फॉर्म था जिसपे कुछ भी नहीं लिखा था कि उस पर चार्जेस लगेंगे आपके, लेकिन उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि इसके चार्जेस हैं। जब वो सारा प्रिंट मेरे को हैंड ओवर कर रहे हैं, 20 पेजेस का वो प्रिंट था, स्टेटमेंट थी मेरी, तो उसके बाद वो बता रहे हैं इस पर चार्जेस लगते हैं 354 रुपीज़, 10 कॉपीज के, 10 पेजेस के 354 10 पेजों के, 10 पेजों के सर जी। और 20 पेजों के मेरे को उन्होंने चार्ज किया 708 रुपए जी सर जी। मैंने मैनेजर्स को अपना कन्वे किया जो मैसेज था मेरा, और एक एप्लीकेशन में मैं लिखने गया था वहाँ पे, लेकिन मैं हाफ ही एप्लीकेशन लिख पाया हूँ, और उन्होंने जो गार्ड है सिक्योरिटी गार्ड मेरे को पकड़ के बाहर निकाल दिया ब्रांच के बाहर, और विद द हेल्प ऑफ पुलिस मेरे को यहाँ पे चौकी में लेके आ गए हैं। क्यों लेकर आए हैं यहाँ सर? ये कह रहे हैं आप वहाँ पे एक ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे मैनेजर के साथ, हालांकि मेरी आवाज़ बिल्कुल रिक्वेस्टिंग ये थी, मेरे हाथ ऐसे जुड़े थे मैनेजर के सामने कि सर मेरा रिफंड करा दीजिए, मेरे अननेसेसरी पैसे कटे हैं, आपके हैंड में है सारा कुछ, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था इस चीज़ को भी। और मैनेजर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया है, हालांकि मेरे साथ दो बंदे और थे वहाँ पे ब्रांच में, वो अभी नहीं आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी ये कहा है मेरा अकाउंट बंद करा दीजिए, वो मेरे साथ थे, और कैशियर ने उनको ये बोला कि बाहर ले जाओ इनको ब्रांच से। ये कस्टमर का वहाँ पे इज्जत है, वहाँ पे वो जो करते हैं ये कस्टमर की इज्जत क्या है। तो आपको यहाँ ज़बरदस्ती कैसे ले आए सर? मेरे को एक हरास किया गया पुलिस के द्वारा भी, और जो वहाँ पे जो गार्ड थे उसके द्वारा मेरे को यहाँ पे बाइक पे बिठा के यहाँ पे अपने साथ लेके आ गए। वो यहाँ पर जो है अपने मामला सामने देखा कि कैसे जो है बैंक में जाते हैं अपनी स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, 7-8 साल पुराना अकाउंट है, SBI की ब्रांच कौन सी बताई आपने? ग्रेन मार्केट SBI SBI की जो ब्रांच है उसके अंदर जो आपने देखा है ग्रेन मार्केट के अंदर, वहाँ पर जाते हैं और अपनी जो स्टेटमेंट है निकालने के लिए 10 पेजों के जो है 354 रुपये और 20 पेजों के 708 रुपये जो है इनके यहाँ पर काटे जाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जब ये उसका विरोध करते हैं कि इतने सारे पैसे जो आपने मेरी 20 पेज की स्टेटमेंट के लिए काटे हैं, आखिर ये किस तरह की आपकी सुविधाएं हैं, तो यहाँ पर ये बता इनके द्वारा जो कहा है अभी जो है दूसरी जो यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर के मौके पर मौजूद है अभी। हाँ जी, वो चले गए हैं सर। वो चले गए, और कौन है यहाँ मौके पर मौजूद अभी फिलहाल? 3-4 स्टाफ थे, वो चले गए हैं सर। चले गए हैं, हम यहाँ पुलिस प्रशासन से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस आधार पर इनको यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है उनको वहाँ पर जो गार्ड्स थे और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया गया है। और ऐसे में इनका ये कहना है कि एक तो ये मिसबिहेविंग का जो है एक तरीके से इन्होंने सामना किया, और उसके अलावा जो है यहाँ पर इनके ऊपर ये कहा गया है कि क्या कह रहे हैं, मामला दर्ज करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर, मेरे को यहाँ पे कहा गया कि भाई आपको वहाँ पे मिसबिहेव कर रहे थे आप, तो यहाँ पे आपके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे वहाँ पे। जो मामला किस चीज़ का दर्ज करेंगे जब आप मिसबिहेव तो आपके साथ हुआ है? पता नहीं सर, मिसबिहेव मेरे साथ से भी आपने गवा दिए, मेरी सेंटीमेंट्स हर्ट हुई हैं वहाँ पे, मेरे को वहाँ पे नीचा साबित कर रहे हैं, मेरे पैसे कट हो गए हैं, तब मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर रहे हैं ये। यहाँ आप देख लीजिए कि कैसा अजब सी बात है कि यहाँ पर मामला दर्ज करने के लिए यहाँ पर पकड़ कर ले आए हैं। पहले तो जो है वहाँ पर मिसबिहेव होता है स्टेटमेंट के, 708 रुपये 20 पेजों की स्टेटमेंट के लिए इनके पैसे काटे जाते हैं, जबकि स्टेटमेंट के लिए इतने ज़्यादा पैसे, और इनकी जानकारी इनको पहले होनी चाहिए, आपको जानकारी थी इतने पैसे कटेंगे? बिल्कुल नहीं सर, हर किसी कस्टमर को यहाँ पे जानकारी नहीं होती कि क्या सर्विस चार्जेस कटेंगे उनको। इनका काम होता है, एम्प्लॉय का काम होता है कस्टमर को गाइड करना, उनको बताना कि आपके इतने चार्जेस कटेंगे, लेकिन इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसके बिहाफ में मैंने इनका जो है विरोध किया, तो इन्होंने मेरे को पकड़ के यहाँ पे थाने में ले आए। तो जो ब्रांच मैनेजर की तरफ से आपको यहाँ लाया गया? बिल्कुल सर बिल्कुल। यहाँ बात करने का प्रयास करते हैं आखिर कि कैसे जो है किस वजह से इनको यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनका जिस साफ तौर पर ये कहना है कि इनके साथ जो है वहाँ पर बदतमीजी हुई, इसके अलावा जो है इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। बात करने का प्रयास करते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि आखिर कहाँ पर हैं, बात करना चाहेंगे एक बार, कहाँ पर हैं आप? हाँ जी सर, बताइए क्या नाम है सर आपका?
जी सर, हेड कांस्टेबल दीपक। जी जी, क्या जी। कहना चाहेंगे जिस तरीके से आए हैं ये, इनका कहना है इनके साथ मिसबिहेव हुआ है, पैसे इनके काट लिए गए और यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती उठाकर इनको ले आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सर ऐसा है, अभी हमारे पास 100 नंबर से कॉल आई थी, SBI बैंक है जो पुरानी अनाज मंडी जी, वहाँ पर एक मतलब ना मालूम व्यक्ति यहाँ पर मतलब हाथ तपाई कर रहा है बैंक के स्टाफ के साथ में और ऊंची ऊंची आवाजों में और कैमरों के अंदर भी वहाँ का आया हुआ है। तो 100 नंबर पे कॉल आई तो हमें जाना पड़ा, ठीक है, ड्यूटी अफसर होने के कारण मैं 100 नंबर पे कॉल आने के बाद मेरे को बजरिया टेलीफोन सूचना मिली तो मैं SBI बैंक में गया जी। वहाँ जाने के बाद देखा कि इसका अभी तक मेरे को नाम पता नहीं, पता ये वहाँ पे मतलब ऊंची ऊंची आवाजों में बात कर रहा था, बोल रहा था। मैंने दोनों पार्टियों से पूछा, मैनेजर से और इससे, कि भाई बात क्या है जी। तो ये बोले कि जी मैंने एक स्टेटमेंट मांगी थी अपनी, ठीक है, और स्टेटमेंट का इन्होंने मुझे नहीं पहले बताया कि इसके हम चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है। तो बाद में मैंने इससे पूछा, गया ये भाई है क्या नाम है इसका, भी मैंने पूछा नहीं है क्या नाम है जी। तो बोले कि जी मेरे ये 20 पेज 25 पेज की स्टेटमेंट है, इसके 700 रुपए काट लिए गए हैं, ठीक है। मैं कहा भाई ये आप लोगों का बैंक का और आपका इशू है दोनों का, ठीक है। आप इतनी तेज आवाज में ना बोलते हुए बैंक मैनेजर से प्यार से उनके कैबिन में जाके बात कीजिए, शायद आपके पैसे भी रिफंड हो जाएं, ठीक है। उसमें ऊंचा ऊंचा बोलने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं बनता, ठीक है, दूसरे लोग भी उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा जी जी। फिर 4-5 आदमी जो मुलाजम थे हम वहाँ पहुंचे बैंक कर्मचारी, तो इनकी फिर तू मैं हुई है। तो फिर हमने इनको बोला कि बैंक मैनेजर को उनको कि आप चौंकी आ जाइए, ठीक है, और आप भी चौंकी आ जाइए, आपका मसला यहाँ हल नहीं होगा जी। आप वहाँ के आपकी जो भी दोनों पक्षों की बात होगी वो सुना के इंचार्ज साहब के समक्ष पेश करके जैसे भी आपका नतीजा निकलेगा आपके बैंक से रिफंड होंगे या आपका चार्जेस कटेगा वो अगली कार्रवाई होगी। ये तो कह रहे हैं आप इनके खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इनके खिलाफ तो कोई ऐसी बात पकड़ के ऐसे लाए मैं मुजरी हूं मुझे। नो ऐसा कुछ नहीं है। जब 100 नंबर पे कॉल जाती है किसी के खिलाफ, मान लो कोई घर में है या कोई, उसको अपनी जगह से जैसे अब मान ले मौका वारदात हुई है तो चौकी में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, इसीलिए दोनों पक्षों को बैंक मैनेजर को भी बुलाया गया और इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपका कहने का मतलब पूछताछ के लिए बुलाया, आपने कोई मामला दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ तो देखिए ये हरास है जो बोल रहे हैं, आपका क्या, आप क्या कह रहे हैं सर? ये मेरे को वहाँ से इसीलिए लेके आए थे कि आपको वहाँ पे पर्चा दर्ज कर देंगे, आपकी कंप्लेंट देंगे, यहाँ पे बैंक के जो 5 कर्मचारी आए थे वो आपकी दरखास्त देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए पैसे कटे हैं तो सुनिए, किसी के साथ नाराज होना ऐसा है सर, मेरी बात नहीं आता है। जब तक मान लो हमारे पास कॉल नहीं आती पुलिस डिपार्टमेंट पे तो पुलिस को कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे वारदात हुई है या कुछ भी जी जी। जब कॉल आती है उसके बाद ही पता लगता है ना। अब वो 5 कर्मचारी बैंक के यहाँ आए कि वहाँ पे ये हुआ है, अब दोनों पक्षों को इसीलिए बुलाया गया है कि या तो आप अपनी लिखित स्टेटमेंट दीजिए क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी ना। आपके पास कंप्लेंट आई है वो किसके थ्रू आई है? ना तो ब्रांच मैनेजर यहाँ आए, ना कोई वहाँ का कर्मचारी आए, ये यहाँ बैठे हैं। बैंक मैनेजर वगैरह सभी अभी आए थे, इन्होंने अपने 2-3 साथी बुला लिए हैं, वो लिखित तौर पे अपनी कंप्यूटराइज जो CCTV कैमरे है ना उनके वहाँ उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, वो कह रहे हैं कि जी हम वो रिकॉर्डिंग वगैरह लेके आ रहे हैं, तब तक ये भी अपने बंदों को जिनको भी इनका जो साथी होंगे उनको बुला लेंगे और जैसे भी होंगे अभी हम आ रहे हैं अपनी स्टेटमेंट लेके, ये बात है, ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ पर जो है इन्होंने तो अपनी बात जो है साफ तौर पर ये बताई है कि वो पार्टी जो है वो पहुंचने वाली है, कुछ वीडियो लेकर आ रही है तो कुछ जो भी वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि सर ने कहा कि वीडियो लेके आ रहे हैं वो, और जैसे कि सर ने कहा कि हाथापाई मैंने की है, तो मैं भी चाहूंगा सर कि वो वीडियो लेके आए और उससे साबित हो जाएगा कि मैंने हाथापाई करी है। तरफ से तो कोई हाथापाई नहीं हुई है सर, मेरे को तो पकड़ के खुद वो लेके बाहर निकाला है उन्होंने, मेरे को तो खुद ये टॉर्चर करा कि मेरे को पकड़ के ब्रांच में से, मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, मेरे को लिखने भी नहीं दिया, तो मेरे को बीच में एप्लीकेशन रोक के मेरे को बाहर निकाला गया, ये मेरे साथ होया, और ये कह रहे हैं मेरे को कि मेरे द्वारा हाथापाई की गई है। मैं तो चाहता हूँ सर वो CCTV फुटेज निकाली जाए और पता चल जाएगा कि कौन सा दूध का दूल्हा है। सर कितने साल पुराना अकाउंट है आपका यहाँ? मेरा 7-8 साल पुराना अकाउंट है सर। जी सर जी। तो फिलहाल जो है जरा देखते हैं कि आखिर जो आगे जो दूसरी पार्टी है पहुंचने वाली है आखिर क्या उनका कहना है, उनसे भी जरा सीधी बात करते हैं। और लगभग आधे घंटे के इंतज़ार के बाद यहाँ पर जो है दूसरी पार्टी यानी कि जो ब्रांच मैनेजर हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। बात करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। आइए सर, जरा आपसे बात करते हैं।
क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश साहू, मैं ग्रीन मार्केट में ब्रांच मैनेजर हूँ। ठीक है, ये कस्टमर आए थे मेरे हमारे पास, नहीं अकाउंटेंट के पास गए, तो अकाउंटेंट से मैं बात करा तो उनसे क्या बात हुई? नहीं आप बताइए, आप बताइए। असल में अकाउंटेंट से डायरेक्ट बात हुई ना, तो आप उन्हीं से एक बार योगेश जी, तो यहाँ पर जो उनके अकाउंटेंट हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हैं अकाउंटेंट जी? मेरा नाम क्या नाम है आपका? योगेश वर्मा नाम है अकाउंटेंट हूँ मैं जी। और इन हमारे सामने ये सज्जन आए थे जी, कर्ण नाम है इनका जी। तो जब मैंने इनका आधार कार्ड चेक किया, इनसे नाम पूछा, वेरीफाई किया, तो उन्होंने यस बोला। इसके बाद मैंने बोला कि कितने साल की आपको पीरियड की स्टेटमेंट चाहिए, उन्होंने पीरियड बता दिया, मैंने इनके लिखे हुए से मैच कर लिया। ठीक है, मैंने इनसे पूछा कि क्यों आपको इतने पुराने साल की किस लिए चाहिए, तो बोले कि मुझे कहीं देनी है तो मुझे आप इस टाइम साइन करके इसको निकाल के दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी। तो आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैंने इनको सजेस्ट किया ठीक है कि जिसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। तो नहीं वो तो ये कह रहे हैं, आपने बोला ना फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, वो ही कह रहे हैं आपने तो निकालने लगे तो पहले पेमेंट के बारे में बताया नहीं कितनी पेमेंट लगेगी, बता रहे हैं 708 रुपये काट लिए। इनके चार्जेस जो लग रहे थे सिस्टम, एक 40 एंट्री तक 118 रुपये कटते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको बताया ये एंट्री आपके कटते हैं, ये चार्जेस कट रहे हैं इसमें। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो आगे थोड़ी देर उन्होंने वेट किया, तो मैंने आगे प्रोसेस गो थ्रू कर दिया। उसके बाद जब इनके दिमाग में शायद, जब मैं बता चुका था कि ऑनलाइन भी आ सकते हैं योनो का इंटरनेट बैंकिंग से, तो इनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। इन्होंने बोला कि पहले तो मेरा योनो से निकला नहीं एक साल का, तो मैंने बोला कि एक ऑनलाइन आपकी साइट है उससे निकाल सकते हैं आप। तो उन्होंने बोला तो अच्छा आप ऐसा करो, मेरे रिफंड कर दो चार्जेस, मैं ऑनलाइन निकाल लूँगा। मैंने कहा सर ये तो आप प्रोसेस तो हो चुका गो थ्रू, आप तो इसका रिफंड हो नहीं सकता क्योंकि आपका प्रिंट आउट निकाल चुके हैं। तो फिर ये उसके बाद भड़क गया और मैनेजर साहब से बात करने लगा, यहाँ तक बात हुई मेरी। तो यहाँ पर जो बात हुई है, आप जानते हैं कि आपके कस्टमर हैं और इनका ये कहना है कि इतनी अमाउंट, क्या इतनी अमाउंट लगती है क्या वैसे जी? एंट्रीज के वाइज लगती है 40 एंट्रीज तक। .com पे जाके देखिए, वहाँ पे 40 अगर ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके 100 रुपये प्लस GST लगते हैं। आप ऑनलाइन SBI पे अभी भी देख सकते हैं, हमारे पास भी है। ठीक है, आप ब्राउज करो, आपको पता चल जाएगा। जब आपने इनकी जो, इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, आपने इनको बताया था कि आपके इतने पैसे जो है कटेंगे, इनका कहना है कि इनको जो है इसकी जानकारी नहीं थी। टोटल पैसे मैं नहीं बता सकता क्योंकि टोटल पैसे भी आप कर सकते हो, तो फिर तो आदमी सोचता है कि ये पैसे वापस कर लो, हम भाई फ्री में निकाल लें, ये कहानी है। टोटल पैसे तो चाहिए था कि मोहर लगा के चाहिए था, इन्होंने डिस्कस की। जब इतनी बात बता रहे हैं आपकी भाई मोहर भी लगनी है, ये भी लगनी है, तो कोई वैसे नहीं बताएगा। ठीक है, एक साल की क्यों, इन्होंने यहाँ तक इंक्वायरी कर ली है। तो अब बाद में तो हर आदमी कोई कहना, हर आदमी को लगता है कि भाई ये फालतू के लग गया, मेरे को पैसे वापस कर दो। और ये चार्जेस जेन्यून है, ऑनलाइन ऑटोमेटिकली कटते हैं, जो भी अगर पासबुक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, आप स्टेटमेंट लेते हो तो 40 ट्रांजेक्शन के 100 रुपये प्लस GST ऑनलाइन SBI पे जाके आप चेक कर सकते हो। 40 ट्रांजेक्शन के 100 रुपये हाँ जी प्लस GST, ये ऑनलाइन SBI पे हमारे मैंने उनको बताई थी। और उसके बाद इन्होंने कुछ आगे नहीं बोला। मेरा पूरा प्रिंट जब निकल चुका था, ये बोलते हैं कि मेरा जब ऑनलाइन निकल सकता है तो मेरे भी रिफंड कर दीजिए और ये पेज वापस ले लीजिए। तो ये चीज़ तब तक बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं था उसका। तो मामला ये थाने तक कैसे पहुंचा? मामला ये थाने तक कि भाई मेरे पैसे अभी वापस करो, अभी मेरे पैसे रिफंड कर दो, अगर आपके ज्यादा कटे होंगे तो अपने आप रिफंड हो जाएंगे। आपके जैसे आप ब्रांच मैनेजर हैं, आप पे कितनी जिम्मेदारी होती है? आप यहाँ पर आपके कस्टमर को आपने थाने खींच के ले, आप दिन के कितने कस्टमर को थाने लेके आते हैं? एक बात बताइए, पूरे कस्टमर अगर ब्रांच में एक कस्टमर आ जाए, ठीक है, वो लड़ाई कर रहा है, सबसे लड़ाई कर रहा है, मैं ब्रांच मैनेजर, मैं अपना काम कर रहा था, मैं तभी इनको मैंने समझा दी कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर लीजिए, अगर आपको कोई इसमें अगर आके वापस होने तो वापस भी हो जाएंगे। ठीक है, पर मैंने कहा कि आपके गलत पैसे नहीं लगे हैं क्योंकि आपने स्टेटमेंट लिया, आपके है, आपने रिक्वेस्ट लेटर दे रखी है, मैंने इनको कई बार कहा। अब इन्होंने कस्टमर को भड़काना शुरू कर दिया, वहां पे ये चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको भी फोन किया इन्होंने, अब तो ऐसे तो नहीं आए, वो कह रहे हैं मेरे को पकड़ के धक्के मारे, नहीं धक्के, कोई वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं है कि लेकर आए, वो कह रहे हैं आप वीडियो रिकॉर्डिंग लेने, वीडियो रिकॉर्डिंग लेने के लिए आपको भी पता है कि बैंक में कैसे की जाती है। ठीक है, आप कम से कम ऐसे, आप तो मीडिया होके ऐसी बातें ना करें, आप कहना है पुलिस का कि आप लेने गए थे सर, एक बात है ना, आप मीडिया क्या है, उन्होंने बुला लिया तो सिर्फ आप उनकी बातें ना सुनिए ना, बात भी सुनिए, तो हम बता रहे हैं ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग अगर बैंक आपको बात ना सुनी होती आपके तरफ बात तो सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए उसका प्रोसेस होता है बैंक का, हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई कुछ छुपा के कर रहे हैं या कस्टमर को हम जाने, अगर हमारे ऑनलाइन SBI पे वो ट्रांजेक्शन अमाउंट है, हम आपको क्लियरली बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम गेम जेन्यून है। अब सामने वाला ये चाहता कि मेरे सारे पैसे वापस हो जाए, जब हमारे अकाउंटेंट ये भी बता दिए कि फ्री हो गए, तो अब किसी का दिमाग खराब हो और कोई जिद पे पड़ जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता। ठीक है, आज हमारे पास ये तो है नहीं कि हम छोटी मोटी ब्रांच है, अब एक तो पब्लिक सर्वेंट में आप उसमें दखलंदाजी कर रहे हो,
मैंने जब आपको कंप्लेन करने के लिए कह दिया, आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? आप वहाँ पे दूसरे एक कस्टमर बैठा हुआ था, आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, उसके क्या था, उसका नोट जला हुआ था, इन्होंने उसको अपने वो कर लिया कि ये मेरा भाई है और हम मीडिया वालों को बुलाएंगे, आपको इन्होंने बुलाने की कोशिश की, ठीक है? अब ये कोई तरीका है बात करने की? उसके जो नोट फटे होते हैं या होते हैं वो अलग से रिटर्न होते हैं, उसके फॉर्म भरने पड़ते हैं, काउंटर पर नहीं रिफंड होते कि आप साथ में डिपोजिट कर रहे हो उसको भी कर दोगे, तो उसका प्रोसेस होता है। बिना किए हुए उसके साथ भी मिसबिहेव किया है, आपके एम्प्लॉय ने उसको ये कहा कि बाहर जाइए यहाँ से। यहाँ पर बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरा कस्टमर के बारे में अभी इनके साथ एक इशू हुआ है सर, सर मैं पहली बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ठीक है? ये दूसरे कस्टमर का बोल रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव हुआ, पहले ये देखिए, ठीक है? हमारे पास सारा कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि हम, मैं ब्रांच में तो आंख बंद कर लेता हूँ। दिखाने के लिए है वीडियो, सब कुछ है सर, सब कुछ है। उस वीडियो में क्या है थोड़ा मुझबानी तो बता दीजिए। सर सुन तो लीजिए, वो जो नोट फटे होते हैं या जले होते हैं उनका एक फॉर्म होता है, उसको भर के अलग से रिफंड होते हैं, ठीक है? आप नॉर्मल जो जमा करते हो उसमें नहीं रिफंड होते हैं, पहली बात ये है। तो वो वहाँ पे हमारा एम्प्लॉय भी गलत नहीं था, ये दूसरे की बात करें या अपनी बात करें, ठीक है? हम इनकी यहाँ पे सुनने आए हैं, इनके चक्कर में हम यहाँ पे आए हैं, हम अपने काम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, पांच एम्प्लॉय हम यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है? पहली बात है, अब पहली बात है ये, दूसरी बात ये अपने दूसरों की बात कर रहे हैं, ये अपनी बात करें ना इनके साथ। जब इनको क्लियरली बता दिया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई और मैंने कहा कि कंप्लेन कर लीजिए, तो कंप्लेन क्यों नहीं की इन्होंने? अभी तक इनकी ऑनलाइन कंप्लेन नहीं हुई है सर। ऑनलाइन देखिए, बातें करने में तो हर कोई अच्छा है, ठीक है? मैं मीडिया वालों को जानता हूँ, मैं बुला लूंगा, ठीक है? बातें के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो मुद्दे की बात है, मैं तो ऑनलाइन बता रहा हूँ, मैं तो प्रूफ है, आप देखिए ऑनलाइन SBI पे जाके देखिए, चेक कीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं बात की। अगर कस्टमर को ये जानकारी नहीं है तो ये जानकारी मेरे अकाउंटेंट साहब बोल रहा है, दे चुकी थी जानकारी दी थी इन्होंने सर। इन्होंने मेरे को जो 20 पेज की प्रिंट निकाल के दिया है, उसके बाद ये मेरे को बता रहे हैं इसका चार्जेस लगेगा, तभी नहीं, पहले नहीं बताया इन्होंने कि मेरे को एक साल की आपको चाहिए, इतनी बात हो गई है और वो कहता है कि मेरे को सामने बताई नहीं गई है, तो ये तो गलत बात है सर। अगर ये इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दी थी, मैंने ये चीज मैंने उनको पहले बता दी थी, पहले बताया, बिल्कुल पहले बता दिया। ये कह रहे हैं कि नहीं बताया, ये बोले तो मुझे टोटल पैसा नहीं बताया, तो मैंने उनको कहा कि सर टोटल पैसे मैं आपकी नहीं बता सकता इस वक्त, क्योंकि आपकी टोटल ट्रांजेक्शन मुझे नहीं पता कितनी है। मैं ये इतना बता सकता हूँ कि 40 एंट्रीज तक आपके 118 रुपये कटेंगे, लेकिन थोड़ा एक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे 708 रुपए की रकम है, आपको पता है लोग तो 40 रुपए के लिए भी लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप उनको थोड़ा चेक करके तो बता सकते थे ना कि कितनी अमाउंट आपकी कटेगी सर। अगर आपके 7-8 साल पुराने कस्टमर हैं, 8 साल पुराने कस्टमर हैं, सुन तो लीजिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्लियरली इन्होंने बताई, ऑनलाइन भी आप चेक करेंगे ना तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर आपके 40 ट्रांजेक्शन 100+ GST लगता है, इन्होंने क्लियरली बताई वो बात। अगर अब इसको मोड़ तोड़ के आप हम बताना शुरू कर दे तो फिर तो बात अलग है। अपनी बात रखना चाहूंगा सर, अगर इन्होंने मेरे को बताया होता पहले तो मैं वो चीज निकलवाता ही ना, मैं अपनी मेल पे ले लेता, मैंने इनको बाद में भी यही चीज कही, बात तो यही है बिल्कुल सर। अगर इनको ये मेरे को बताते पहले ही, वो रिफंड करने वाली बात आई है, नहीं सर रिफंड करने की बात है, अगर कुछ नहीं, अगर ये मेरे को बताते कि इस 20 पेज जो के ये मेरे को चार्जेस लगाएंगे 708 रुपए, तो मैं वो मेल पे लेता अपनी, मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी। अगर मैं इतना बड़ा दिल दरिया होता तो मैं 708 रुपए के लिए यहाँ क्यों आता, मैं ले लेता। सुन तो लीजिए, इन्होंने कहा कि मेरे को स्टेटमेंट कहीं देनी है जिसमें मेरे को स्टाम्प भी चाहिए, पहली बात आप ये नोट कीजिए, ठीक है? आप ऑनलाइन ले जाएंगे वहाँ पे स्टाम्प, आपके मोहर नहीं लगेगी बैंक की, सिग्नेचर स्टाम्प नहीं होगी, मोहर तो बैंक लगा के दे देता है। बात तो सुन लीजिए, मोहर देगा उसकी प्रूफ तो रखता है, बात ये है कि इनको चाहिए, इनको काम था, इनको मोहर स्टाम्प दोनों चाहिए थे, इसलिए मांगा। अब बाद में आप मुकर जाओ, चाहे जो मर्जी कर लो, तो कुछ भी है। बात ये है कि पैसे उनके कट गए, पैसे उनके कट गए, ठीक है सर। बात आप वो नहीं समझ रहे, पैसे क्यों कटे? सामने वाला जब तक रंजन, अगर इन्होंने पूछा, इतनी डिटेल्स पूछ ली आपको, इतनी कहानियां बता दी, ठीक है, एप्लीकेशन ले लिया, आधार कार्ड ये देखिए, अगर आप ये देखना चाहते, ये आधार कार्ड है, ये एप्लीकेशन है, इन्होंने भर के दे रखा, सारा कुछ कर रखा है। अगर इतनी बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने चार्जेस भी नहीं बताए आपको? इस पे कोई मेंशन नहीं है सर, चार्जेस है सर, मेंशन इन्होंने बात नहीं है ना, बात बताया आपके ऊपर जो जो करंट एप्लीकेशन है, दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज नॉट द चार्जेस स्लिप। तो यू आल्सो हैव द राइट टू टेल द कस्टमर, मैं यहां बात कर रहा हूं, पहले बात करने दो, या तो आप बताओ, इन्होंने सुन ली सर, मैं देखना एप्लीकेशन देखिए, हां आप देखिए एक बार जरा देख लीजिए, जो व्यूअर्स हैं, अब इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, इन्होंने सारी चीजें बताई, अगर नहीं बताई होती तो ये भी नहीं बताया होता कि फ्री कहां से निकलेगी, ये भी आप तो सुनिए, इस पर साइन करते हैं उसमें वो चीज लिखी होनी चाहिए या नहीं, बात सुन लीजिए, पहली बात है ना, आप चार्जेस इतने कटते हैं ना, इन्होंने ये एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन, हमने ये नहीं इन कस्टमर से लिया है ना, हमने इनको बना के दिया, हमने इनके सिग्नेचर वेरीफाई की, ये बैंक की प्रोसेस होता है, ठीक है? और रही हमारे ब्रांच में कंपेडियम लगा है जितने चार्जेस कटते हैं, और इन्होंने डिस्कस भी कर ली कि आपके चार्जेस 100-140 सर, फिर वही बात कर रहे हैं सर, अगर पहले फिर अगर मेरे को 708 रुपए मेरे को ये पहले बता देते, इतना चार्ज आपका 20 पेजों का लगेगा, तो मैं आज ये नौबत नहीं आती मेरे को, मैं तो फिर कहता कि भाई अगर मेरे को चाहिए होती खुद भी बैंक में जॉब करते हैं सर। देखिए क्या है ना, हर बैंक की प्रोसेस अलग है, इसी मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं कि वो खुद भी बैंक में है, बैंक
देखिए बंधन बैंक का क्या प्रोसेस है वो हमें नहीं पता, ठीक है, इनका क्या प्रोसेस है हमें भी नहीं पता। बैंक में तो करते हैं ना, सुन तो लीजिए, बैंक का प्रोसेस तो सर एप्लीकेशन, कोई भी आप सर्विस मांगोगे तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हमने एप्लीकेशन लिया, इन्होंने डिटेल्स मांगी इनसे कि भाई आप क्यों चाहते हो, क्या सारा कुछ तो कर लिया डिटेल्स, अब इन्होंने बताई, अब आप बोल दो बाद में कि भाई मेरे को बताई नहीं। हाँ ये है कि सारी बात सुन लीजिए, 700 रुपए वाली, मैं ये बात बोलता हूँ कि 700 रुपए वाली नहीं बताई, सिर्फ 40 ट्रांजेक्शन के 100+ जीएसटी होते, क्योंकि जो हमारे सर्कुलर में वो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ज्यादातर सर्कुलर की चीजें मतलब जो नोटिस होती है हमारे बैंक की वो याद होती है, तो इन्होंने बताई, ऐसी बात नहीं कि कोई चीज छुपाई। अब आप उसको बोलो बाद में कि हमें ये नहीं बताया 700 रुपए कटेंगे, तो हमें भी तो नहीं पता ना उस समय स्टेटमेंट देते हुए कितने के बाद मेरे को बताया जा रहा है कि ये आपके चार्जेस कटेंगे। जब मेरे को हैंड ओवर कर दिया, जब चार्जेस कट दिए कट गए, तब मैं पूछने गया हूँ कि ऐसे मेरे चार्जेस कटे हैं, तब इन्होंने इन्फॉर्म किया कि मेरे को एक चीज हमारे सामने और आई है, इनके पास एक वीडियो थी, चलिए 2 मिनट मेरी बात सुनिए, ये बता रहे हैं शायद हम उसे रिकवर कर पाए क्योंकि हमारे आईटी सेल निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसमें जो वीडियो बनाई उसको यहाँ पर डिलीट किया गया। पब्लिक क्यों किया गया? सुन तो लीजिए, ठीक है सर, मैंने नहीं डिलीट किया, ठीक है, पुलिस आई थी वहाँ पे किया, और रही बात सर सुन तो लीजिए, आप मीडिया वाले है ना, हमारे बैंक में चोरी हुई थी, आप आए थे कि नहीं आए थे? जी आए थे ना, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पुलिस ने किया डिलीट, क्योंकि आप वर्किंग आवर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात है सर, सुन लीजिए, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर, अगर आपके साथ कोई ऐसा मिस भी हो रहा है लोग लोग कर भी लेते हैं, जैसे आप हैं, आपके साथ कहीं कुछ हो जाए आप भी जरूर करेंगे, मेरे ख्याल से आप भी जरूर करेंगे। सर पुलिस ने क्या किया नहीं किया वो हमें नहीं पता, पर हमने जो बात है हमने आपको बात अपनी रखी, ठीक है, आप हमारी जो क्रेडिबिलिटी है ऑनलाइन SBI पे देख लीजिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हुई है, पास भी तो रख सकते थे डिलीट करने की। सर मैंने कौन सी डिलीट की, पहली बात है कि हमने कौन सी डिलीट की, तो पुलिस से बात कीजिए, बताया भी वो तो गार्ड सर क्या होता है, गार्ड की ड्यूटी होती है कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना करे, ठीक है, ये इनको ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का इनका पता नहीं है, ठीक है, अब बातें करने के लिए तो हर आदमी बातें कर सकता है, मीडिया में तो हर आदमी आके बात कर लेता है, ठीक है, जब कोई चीज आती है ना सर पे तो फिर तो हर आदमी की टिप्पणी गुंद हो जाती है, वही वाली बात है। अब सर बात ये है, मेरा अकाउंटेंट एक बैठा हुआ स्केल 1 ऑफिसर ये कह रहा है कि मैंने इसको सारी डिटेल्स बताई, आप उस पर विश्वास भी नहीं करना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं आपकी बात सुन ली, हां जी बताइए, इतनी प्रोसेस हमने कर ली, एप्लीकेशन ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, डिटेल्स बता दी, अब भी आप बोलोगे कि हमने आपको तो सर लेना ही है, वो तो सब बैंक वाले। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं, ये सारा सारी बात हो गई, हमने कर लिया, अब यहां पर किस लिए आए हैं? यहां पर एक मैंने लिया है, ये इन्होंने कस्टमर से भड़का रहे थे, सुन तो लीजिए, इन्होंने कस्टमर को भड़काने का काम किया, हमारे टाइम खराब कर रहे थे, ये मेरे से तेज तेज बातें कर मतलब उत्तेजित होकर बातें कर रहे थे, सही बात बताऊं ये ब्रांच पूरा हल्ला कर रहे थे, ठीक है, तो जिसके कारण हमें पुलिस को बुलाना पड़ा। मैं इनको कह रहा था कि कंप्लेन आप लिख के दो या ऑनलाइन कंप्लेन करो, पर ये करने को ऑनलाइन कंप्लेन करना नहीं चाहते थे क्योंकि इनको पैसे साथ ही साथ, क्योंकि सर ऑनलाइन कंप्लेन होती है 1811 2211 आज के अभी हो जाने, बात कर ली जैसे आपने बोला, इनका ये कहना है कि इनको पता होता तो वो जरूर, मैं गलत बता रहा हूं आपको, चार्जेस गलत बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, हम आपकी भी सुन रहे हैं उनकी भी सुन रहे हैं, मैं गलत बता रहा हूं चार्जेस, मैं गलत बता रहा हूं, ठीक है, इनका था पहले इशू है कि चार्जेस ज्यादा कट गए, ठीक है, मैंने कहा ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए आपको अपने आप चार्जेस पता चलेंगे, कोई गलत कहा? आप एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए मेरी, तो मैं कोई गलत कह रहा हूँ? मैंने अगर आते के साथ इनको ये बात कही है, ठीक है, इन्होंने कहा कि आपके मेरा जो क्लर्क था जिन्होंने क्यू बनाई, क्यू निकाला जाता है और एक क्यू बनाता है दूसरा निकालता है, ये अकाउंटेंट साहब है, एक क्लर्क होता है वो क्यू बनाता है, ठीक है, उन्होंने क्यू बनाई, उन्होंने नहीं बताई इनको, मैंने इनको फोन कर दिया, जैसे ही मेरे पास है मैंने तुरंत फोन किया, इनको पूछा कि भाई अनिल ने क्यों नहीं बताई, फिर इन्होंने बताया कि सर मैंने इनको गलती मान रही है ये, मैं फिर वही बात सुन तो लिया करो, पूरी बात तो सुन करो, ठीक है, अनिल ने नहीं बताई, कलर था उसने क्यों बना दी, अकाउंटेंट के पास आया, अकाउंटेंट ने सारी डिटेल्स बताई, पूरी इंक्वायरी की कि आप क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो, जब इतनी बात हुई है तो फिर ऐसे थोड़ी कोई बता रहा है, कोई खिचड़ी पका के तो बताएगा नहीं। बात ये है, सारी बात हमने कर ली, अब जो आगे है इनके पैसे रिटर्न होंगे या नहीं, बात है कि कस्टमर रिक्वेस्ट देता, हम उसको सारी चीजें बता रहे हैं, और फिर कस्टमर एक बार पैसे कट जाने के बाद कह के मेरे पैसे रिफंड कर दो, ठीक है, आप भी बात सुनो, बात अब देखिए मेनली से ये है कि आप क्या आप सुनो कि स्टेटमेंट निकालने के बाद कस्टमर कहता है कि भाई मेरे ज़्यादा पैसे कट गए, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरे ट्रांजेक्शन कितनी है, सीधी सी बात है, एक साल की ट्रांजेक्शन तो ज़्यादा होगी, एक साल की बंधन रेगुलर अगर अकाउंट मेंटेन कर गए तो ज़्यादा होगी, जब 750 रुपये कट गए तो बोलता मेरे पैसे वापस कर दो। सर मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ, आपके पास जो भी लोग स्टेटमेंट निकलवाने के लिए आते हैं, क्योंकि सबको ना आपको पता होता है ना कस्टमर को पता होता है कि मेरी स्टेटमेंट कितनी है, इसका मतलब ये तो सबके साथ ही होता होगा। सर सुन तो लीजिए, पहली बात है आपके ट्रांजेक्शन कितनी है, अगर आपकी ज़्यादा है जैसे 6 महीने या साल भर किसी को चाहती होती है अराउंड से होते हैं, 10 पेज बनता तो उसे 350 रुपये होते हैं, तो 2 बार इनकी क्यों निकली, तो
10-10, 20 रुपए लगे। सुन तो लीजिए, दो दो क्यू इनकी निकली, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है। अब ऐसे बैंक मतलब सिर्फ बात करने से नहीं चलता, ठीक है सर, सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सर, सुन तो लीजिए, व्यूअर्स जो है सर, मैं सुन तो रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक बार में 10 पेज निकलता है 350 रुपए लगते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, पर आदमी के जब पैसे कट जाते तो वो सोचता की मेरे पैसे रिफंड हो जाए, ये है कहानी। बाकी यहाँ पर जो है आपने बात नहीं है, सिर्फ हल्ला करने का मुद्दा है। यहाँ तक अगर ये यहाँ तक इनको कह दिया था कि आधे पैसे मैं 335 रुपया चलो आपके ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं चलो मतलब ज्यादा हल्ला कर रहे हो तो ये मैं भी वापस कर देता हूँ, पुलिस के आने पे मैंने ये बात भी कही, पर ये आ रहा है कि मेरे को सारे पैसे हैं, तो देखिए हमने कोई गलत पैसे नहीं काट रखे। अगर आप वैसे, और एक तरीका होता है बात करने का, ठीक है, एक तो आप पब्लिक सर्वेंट को आके आप उसके सरकारी काम में दस्तक्षेप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ तक इतनी हल्ला कर दिया कि हमारी रिकॉर्डिंग है सारा, हम यहाँ पे आ गए, तो हम तो लिख के दे रहे कंप्लेन इनको कि इन्होंने इंटरफेयर किया, और हमने जब कंप्लेन करने के लिए कह दी थी तो सामने वाला कस्टमर कंप्लेन करना चाहिए, पैकिंग में प्रोसेस होता है, ठीक है, आप ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते, और हमने कोई गलत नहीं काटा, पहली बात है, हमारे ऑनलाइन SBI पे अभी भी है। आवाज उठाने को लड़ाई कहते हैं तो सर, आप ये ऐसा है, हम ये कहना चाहते हैं कि कस्टमर को कंप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ, पहली बार से मैं कहता हूँ कि कस्टमर मेरे पास आया, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप मेरे LHO कंप्लेन कीजिए, तो मैं कोई गलत कह रहा था आपसे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके पास आए, इन्होंने बात बताइए, अगर कस्टमर मेरे पास आता है कोई भी उसको संतुष्ट नहीं है हमारे सर्विस से, हमारी कंप्लेन सेल होती है, मैं उसको कह रहा हूँ कि आप हमारी कंप्लेन कीजिए, इस यहाँ पे कंप्लेन कीजिए, और वो उसके जगह हमारे से लड़ाई करे, तो इसको क्या आपका ये कहना सही है कि हमारी कंप्लेन कीजिए सर, मैं वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, आप कस्टमर संतुष्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे आप हमारी कंप्लेन कीजिए, कस्टमर कंप्लेन नहीं है, चार्जेस की बात कर रहा हूँ, मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ कि चार्जेस हमने सही लिए या गलत लिए, आप उसकी कंप्लेन कीजिए, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो मैं कोई गलत कर रहा हूँ आपको, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके इतने इतने चार्जेस लगे, आप हमारी कंप्लेन करो, आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, अगर कंप्लेन होगी तो हम रिफंड भी कर देंगे, अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, तो एक बात बताइए, ये कोई गलत मैं कह रहा हूँ, ये बात बताइए हम गलत कह रहे हैं कोई? आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपने फिर 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, 100 नंबर में बंदा अगर हमारे कस्टमर को भड़का रहा है, जब मैंने बताया कि वो नोट चेंज कर रहा है, उसको बोलता मेरा भाई है, सुन लीजिए पहली बात सुनिए, ठीक है ना, आप वहाँ पे मत आइए, ठीक है, पहले जो मैं हम अगर वहाँ का माहौल खराब करेगा, आपकी सर सारी बात सुना रहे हैं, बोलिए आप सारी बात, इनका रोल मैं बताता हूँ, कस्टमर को क्या था, कस्टमर को मैंने नहीं भड़काया, कस्टमर ने अपने डिपॉजिट कराने के लिए, और वो जो कैशियर था वहाँ पे जो बैठा हुआ था, कस्टमर उसने कस्टमर को कहा कि इसको बाहर निकालो, अपने जो वहाँ पे वो जो मौजूद रहता है उसको बाहर निकालो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग है, हम आपसे, हम आपकी भी सुन रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, हमारा किसी, हमने सच्चाई दिखानी, लेकिन साफ बात ये है कि उनका कहना है कि उनको धक्के मार के निकाला गया, आप क्या टच कर सकते हैं, किसी को नहीं मारा गया, पहली बात है, वीडियो आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी, आपके आपके कैमरा तो काम करते ही होंगे, पहली बात है, हमारी वीडियो वो भी दिख जाएगा, अगर आपके साथ हमारी वीडियो पुलिस ने डिमांड कर रखी है, ठीक है, आप हमारी वीडियो पुलिस ने डिमांड कर रखी है, ठीक है, तो ये अपने आप देख लेंगे कि किसके क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है, हम आप तो है नहीं निष्कर्ष निकालने वाले, जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने डिमांड कर ली है, अपने आप देख लेंगे, आपको बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपने इसलिए बुलाया है, तो आपका कहना है कि वो वहां बुलाया, हमने नहीं बुलाया, कस्टमर अड़ा हुआ है कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे, वो मतलब कस्टमर इग्नोरेंस है, मतलब वहाँ पे हल्ला कर रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे अगर कोई ब्रांच के अंदर माहौल खराब करेगा तो हम भाई पुलिस को ही बुलाएंगे या हम कहाँ जाएंगे, बताइए, पुलिस अगर हमारे हमारे ऊपर कोई बुला ले, बाहर से बंदे बुला ले, या हमारे ऊपर हाथापाई करने लगे, तो हम कहाँ जाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, बात वही थी, ये फुटेज निकालो ना, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने मांग लिया, जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज में जरूर कहना चाहूंगा, ये सब कह रहे हैं कि सारी स्टेटमेंट निकालने के बाद मेरा काम जो है बाद में बताया गया चार्जेस, आप मैं स्टेटमेंट अगर आपके लास्ट ट्रांजेक्शन देखें, डेट देखें, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, आप प्लीज इसकी लास्ट डेट बता देंगे मेरे को, आपके पास लास्ट डेट बताएंगे जी, बताइए कितनी है, ये 24 सितंबर की, 24 सितंबर की 2020 की, अब सर इनकी रिक्वेस्ट डेट देखिए, इनकी लास्ट डेट है 15 जनवरी 2021, यानी कि इनका काम पूरा डेट हुआ नहीं था, इन्होंने ट्रांजेक्शन बीच में जब मूड इनका चेंज हुआ तो उन्होंने मेरा काम रोक दिया, बोला कि मेरे चार्जेस अब ना काटो, बिल्कुल सर, जितने कट गए उतने ठीक है, मैंने कहा ठीक है आपके इतने पैसे कट चुके हैं, इतने ट्रांजेक्शन आपकी कितनी हुई है मुझे नहीं पता, आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है पूरे साल में, तो पैसे आपके इतने कट चुके हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है मेरा काम यही रोक दो, अब मुझे ऑनलाइन निकालनी है और मेरे ये पैसे रिफंड कर दो, तो मैंने कहा कि सर अब पॉसिबल नहीं है, ये आपको पहले बताना था, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, आपकी बात भी सुन ली मैंने, मैं आपका सारा प्रोसेस समझ गया, पूरा मैं समझा दूँ सर, मैंने उनको यही कहा था कि सर आपकी 40 एंट्रीज तक 118 रुपये आपके कटेंगे, तो अब कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है ये आपको पता होगा सर, मैं इस पोजीशन में आपको बताया था 40 एंट्रीज तक 118 सर, बिल्कुल नहीं बताया था, जब इन्होंने 20 पेज निकाल दिए थे मेरे, तब इन्होंने बताया था कि आपके चार्जेस कटेंगे इस पे,
तब मैंने बोला था आप यहीं भी रोक दो अगर मेरे चार्जेस कटेंगे तो मैं इसको कितनी एंट्री पे आपने बोला था चार्जेस मेरे रोक दीजिए सर इन्होंने जब 20 मेरे को पेज निकाल दिए थे जब इन्होंने इतनी एंट्रियाँ निकाल दी है मेरी 20 पेजेस से ये टोटल 20 पेजेस हैं तब मैंने बोल दिया था कि मेरे को नहीं चाहिए मेरे को अगर चार्जेस लगेंगे मेरे को नहीं चाहिए यहीं पे रोक दो तब मैंने इनको वहीं पे रुकवा दिया था। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा हमारे बीच क्या बात हुई इसके लिए वो कस्टमर जो नियर बाई खड़े थे हमारे वो गवाह हैं कि हमारे बीच क्या बात हुई ना मेरी बात आप सही मानिए ना इनकी बात सही मानिए जो कस्टमर खड़े थे उस वक्त एट द स्पॉट वो आपको सही से बता पाएंगे कि क्या हमारे बीच बात हुई तो आप मैंने बताया कि नहीं चार्जेस वो आपको सही से क्लियरली बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपने तो यहाँ पर जो है वीडियो की भी बात यहाँ हुई है लेकिन ये देखेंगे कि आखिर जो वीडियो है वो क्यों डिलीट की गई ये भी सबसे बड़ा सवाल है वो कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर बात ये है कि उन्होंने बता दिया कि 40 ट्रांजेक्शन जो हैं उनके 118 रुपये लगेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पर जिसका जो खाता है वो ये भी सोच सकता है कि शायद मेरी ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी तो मैं इतने पैसे अफोर्ड कर सकता हूँ लेकिन अगर अचानक से निकल जाए यानी कम से कम आपको जो है पूरी जानकारी कम से कम पूरे पैसों की नहीं थी इतनी जानकारी ज़रूर थी कि जो ये देखिए ये यहाँ पर देखिए दो बार 354 रुपए काटे गए हैं और इसकी कितनी जानकारी क्या इतनी जानकारी इन्होंने वैसे दी थी कि 40 ट्रांजेक्शन के 118 रुपए बिल्कुल नहीं दी थी सर जब बिल्कुल नहीं बताया गया कैमरा क्यों बोल रहे हैं वो बिल्कुल सर आप साफ ही दिख रहा है कि झूठ ही बोल रहे हैं। मेरे को जब पता लगा कि आप इसमें चार्जेस लगते हैं तो मैंने इनको वहीं पे रोक दिया था कि बंद करा दीजिए मेरे को नहीं चाहिए। तो ये पहले उन्होंने निकालते समय आपको बताया उन्होंने बिल्कुल भी नहीं इन्होंने मेरे को जब ये हैंडओवर किया की जानकारी कब हुई जब स्टेटमेंट निकल चुकी थी या स्टेटमेंट निकलने वाली थी ये प्रोसेस कर रहे थे स्टेटमेंट का प्रोसेस कर रहे थे पहले नहीं बताया बिल्कुल भी अगर पहले बता देते होता मेरे को चार्जेस लगेंगे तो मैं निकलवाता ही ना खुद भी एक बैंक में जॉब करते बिल्कुल सर मैं बंधन बैंक में जॉब करता हूं 12 सेक्टर बंधन बैंक में बिल्कुल सर जी सर यहाँ पर आप देख लीजिए खुद बैंक में भी जॉब करते हैं और यहाँ पर ब्रांच मैनेजर जो वो आए थे कैशियर जो है वो मौके पर पहुँचे हुए हैं अकाउंटेंट जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये देखने वाली बात है कि आखिर आगे की यहाँ पर जो है थाने में यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जाकर बैंक में कोई भी शिकायत आपको होती है तो आपको भी इस तरह से थाने में लेके आया जा सकता है। इसलिए अब आप अपनी बात बैंक में जाके नहीं रख सकते क्योंकि अगर आपको आप वहाँ पर ज़रा सा भी नाराज़ होंगे तो 100 नंबर पे कॉल करके आपको सीधा यहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ इस समय हम खड़े हैं चौकी है आपको बता दें सदर चौकी में इस समय हम खड़े हुए हैं और ये यहाँ पर पैसे भी गवा के बैठे हैं और उसके अलावा जो है चौकी में भी घसीट के ले आए हैं लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो फुटेज है उसमें साफ तौर पर आएगा। सवाल ये है कि इनके पास जो मोबाइल है उसकी फुटेज को डिलीट क्योंकि आपको फुटेज थी डिलीट की हुई है बिल्कुल सर मेरे पास मैंने जो मेरे साथ हुआ मैंने उसको ब्रांच में वीडियो बनाई है उसकी फुटेज करी थी मैंने लेकिन पुलिस के द्वारा और इनके स्टाफ के द्वारा मेरे को प्रेशर बना के मेरे से फ़ोन छीना गया और मेरे को डिलीट करवाई गई वो वीडियो डिलीट करवाई बिल्कुल सर वीडियो किसने डिलीट किया सर जो यहाँ पे जो पुलिस आई थी जो 100 नंबर से जो अफसर आए थे उन्होंने मेरे फ़ोन लेके डिलीट करी है। उनको ये बात किसने बताई कि आपके फ़ोन में वीडियो है ये सर ब्रांच ने ब्रांच के बंदों ने हाँ जी ब्रांच मैनेजर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच मैनेजर जिनसे अभी हमने बात की इन्होंने कहा था कि मेरे को स्टैंप चाहिए इसमें कोई भी स्टैंप नहीं है आप देख सकते हैं एक भी स्टैंप नहीं है कि SBI की स्टैंप हो इसमें और इन्होंने अभी कैमरे पे ही कहा था कि इनको स्टैंप वाली स्टेटमेंट चाहिए थी। स्टैंप का तो कोई इशू नहीं स्टैंप तो वैसे लगा देते हैं बिल्कुल सर ऐसी फ्री में लगा देते हैं वो तो फ्री में है स्टैंप का तो कोई चार्जेस नहीं है और मेरे को इतना भी नहीं पता था ये 20 पेजेस के मेरे से 708 रुपये चार्ज कर देंगे मेरे को इतना भी नहीं पता था। यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि सारा जो यहाँ पर मामला था और यहाँ पर जो आए हुए हैं फिलहाल जो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर हैं उनसे जो है दोबारा बात करने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मामले को वो किस नज़र से देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आए हुए हैं और यहाँ पर जो है इनके साथ जो है ये सारी बात हुई है पैसा जो इन्होंने गंवा कर बैठे हुए हैं और ऐसे में जो ये सारा मामला है अपने आप में काफ़ी पेचीदा सा है कि इस तरीके से सरकारी बैंकों के अंदर शायद लोग इसीलिए कतराते हैं खाता खुलवाने के लिए। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के अंदर जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर खुद चल के आपके घर तक आ जाता है और यहाँ पर जो सरकारी बैंक है उसके जो हालात हैं वो आपने देख लिए। SBI की ब्रांच है यहाँ पर ग्रीन मार्केट से जो ब्रांच है वहाँ पर जो है इस तरीके से ये सारा मामला देखने को मिला लेकिन बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि आखिर जो है किस तरीके से इनका निपटारा जो है आपस में होगा क्योंकि फिलहाल ये यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर पहले बात की तो उन्होंने बोला नहीं कोई किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर आए हुए थे वो अपनी ही बात को रखना चाह रहे थे। हमने उनकी बात सुनी भी और इनकी भी बात सुनी लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्रांच मैनेजर है इस मामले को लेते हैं क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहां पर ऊंचा बोला है हम यहां कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आ गए। तो यहां पर अब देखते हैं कि आखिर इस मामले में आगे क्या होता है।
यहाँ पर मौके पर खड़े हैं पुलिस प्रशासन से दोबारा, जिनसे हमने पहले बात की, और यहाँ पर जो है फिलहाल वो बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ जो है साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो इनके खिलाफ़ जो है यहाँ पर पर्चा कर रहे हैं, यानी इनके खिलाफ जो है यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बैंक में जाकर जो ब्रांच मैनेजर हैं जी तो वहाँ पर सर क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सर मेरी बात सुनो, जानकारी दे। देखो सर, मैंने जो जानकारी देनी थी मैंने वो दे दी। ऑनलाइन मतलब इनकी कंप्लेंट आई हुई है, उस पर जैसे भी आगे नतीजा होगा ना वो कार्रवाई उचित करेगी। फिलहाल वो कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट तो उन्होंने दे ही रखी थी जब 100 नंबर पे कॉल हुई है। आगे क्या कर रहे हैं, आगे इन चार साहब से बात करो सर, मुझे नहीं पता। यहाँ पर जो है फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो देख लीजिए, ये तस्वीरें एक बार सामने कि यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ पर जो है ये खड़े हुए हैं तस्वीरों में, और इनको जो है यहाँ पर जो यहाँ पर जो है फिलहाल आपके नाम पे जो है यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैंने तो स्टेटमेंट लेके एक तो यही कहना चाहूँगा, अपनी मुसीबत बुला ली है, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट लेने के लिए मामला दर्ज कराया गया। कोई बात नहीं, अगर आज ये आम आदमी के साथ ही ये हो रहा है, मैंने इसके लिए आवाज़ उठा दी, मेरे 708 रुपए कट गए हैं, तो पता नहीं कितने लोगों के साथ आज ये ठगी करते होंगे ये बैंक वाले। ये मैं तो सारा सर यही कहूंगा कि काला बाजारी और डकैती है ये, आम आदमी के साथ ये ऐसी करते हैं। बैठो आप, इनको बैठा दो। बिल्कुल सर, बैठ जाओ भाई। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि व्यक्ति जो है अपना बैंक में जाते हैं और वहाँ पर स्टेटमेंट निकलवाते हैं, और उसके बाद जो सारा कुछ होता है आपने सामने देखा है। बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे जो इंचार्ज हैं यहाँ के चौकी के, कि आखिर किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मामला यहाँ पर हुआ है, और एक बार बात करने का प्रयास जो है करने, और यहाँ पर जो है इंचार्ज साहब का जो है इंतज़ार कर रहे थे लेकिन मौके पर मौजूद नहीं है। और ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि इस देश का जो कैसा जो है ये लोकतंत्र है, कैसी ये चीज़ है कि एक व्यक्ति जो है बैंक में जाता है, अपनी बात वहाँ पर जो है एक सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए, और स्टेटमेंट जब उसे मिलती है उसे पता चलता है मेरे ज़्यादा पैसे कटे, फिर वो इसका विरोध करता है, ब्रांच मैनेजर के साथ नाराज़ होता है, थोड़ा ऊँचा भी बोल लेता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपनी आवाज़ उठाई तो आपको इस तरीके से चौकी में लेकर आया जाएगा। व्यक्ति इस समय तस्वीरों में सामने खड़ा हुआ है, आपको जूम करके दिखा देते हैं, और ये यहाँ पर ये कह दिया गया कि इसके नाम पर जो ब्रांच मैनेजर जो हमने आपको तस्वीर में दिखाए वो इनके खिलाफ कंप्लेंट करा रहे हैं, और यहां पर चौकी से पुलिस जो अधीक्षक उन्होंने जो यहां पर पुलिस के हैं उन्होंने ये बोला कि आप कुर्सी पर सामने बैठ जाइए, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है। और अब आप ये देख लीजिए कि अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो आपकी आवाज़ को कैसे दबाया जाएगा, और यहां पर जो है फिलहाल पैसा गवाकर और उसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं इस समय, उनको मुजरिम बना के देख लिए, कैसे मुजरिम बना के यहाँ खड़ा कर दिया है, जैसे पता नहीं आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया हो। तो ये जो तस्वीर है ये आपने देख लिया, आपके करनाल शहर की तस्वीर आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि अगर आप बैंक में जाते हैं, SBI ब्रांच बिल्कुल पास में पड़ती है ग्रेन मार्केट के, और यहाँ पर जो आपने देख लिया एक व्यक्ति पहुँच कर जो है अपनी परेशानी जो है बैंक के साथ जो है थोड़ी सी नाराज़गी हुई कि मेरे जो पैसे इतने ज्यादा क्यों काट लिए, और उनको यहां पर लाकर खड़ा कर दिया 100 नंबर पे फोन करके। तो अब आप देख लीजिए अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो पहले सोचकर जाइएगा कि वहां जाकर आपने ब्रांच मैनेजर के साथ सामने अपनी बात रखनी है या नहीं रखनी है। और यहां पर उनकी जो मोबाइल की वीडियोज भी डिलीट कर दी गई, ये भी इसके अंदर साफ तौर पर सामने आया, और ये यहां पर खड़े कर दिए गए हैं मुजरिम की तरह, ये देख लीजिए तस्वीरों में मुजरिम की तरह यहां पर खड़े कर दिए गए हैं। ये जो आपको तस्वीरों में बिल्कुल जैकेट जो आपको ब्राउन जैकेट के अंदर जो इस समय दिख रहे हैं ये खुद भी बैंक में नौकरी करते हैं, और ऐसे में आप मुजरिम की तरह खड़े करके यहां पर इनके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है। तो इतना हो सके इस खबर को शेयर करें, इस तरह की जो तस्वीर है काफी शर्मनाक है कि कैसे आप बैंक की सुविधाएं लेने के लिए, आप बैंक में खाता आपका 10-10 साल पुराना है और वो बैंक आपको चौकी में पहुंचा देता है जब आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं वहां का ब्रांच मैनेजर, और इस तरीके से बदतमीजी भी होती है, बदतमीजी उनके साथ हुई। लेकिन बात यह थी कि अगर ये पहले कंप्लेंट करने आ जाते तो शायद इनकी कंप्लेंट हो जाती, लेकिन यहां पर जो है आपने देख लिया है कि कैसे जो है यहां पर सिर्फ इस बात को लेकर कि हमारे साथ ऊंची आवाज में बात की, कैसे इनकी हिम्मत कैसे हुई, आवाज ऊंची हुई है, बात यहां पर यही है जो हमने आपको तस्वीरों में ब्रांच मैनेजर से भी बात की। तो देख लीजिए ये है तस्वीर हिंदुस्तान की, और जितना हो सके इस खबर को शेयर करें, काफी शर्मनाक तस्वीर है कि सिर्फ इतनी सी बात पर आपको चौकी पहुंचाया जा सकता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सदर बाजार चौकी से, और जितना हो सके इस खबर को शेयर करें, और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, और करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया उनसे भी अपील करेंगे कि थोड़ा ध्यान ज़रूर दें इस तरीके की जो हमारे करनाल शहर की जो चीज़ें हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें कि कैसे यहाँ पर एक लड़का जो है
बैंक में पहुंचता है और उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी जाती है। थोड़ा इस पर ध्यान देते हुए जरा इसे अपनी नज़र में जरूर रखें अगर गैस्पी गंगाराम पुनिया इस खबर को देख रहे हैं। तो फिलहाल आई बी 24 पर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।